हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट मोड की हिस्ट्री कैसे ढूंढी जाती है। आप हमेशा ये सोचते होंगे, आपको हमेशा ये पढ़ाया होगा कि प्राइवेट मोड जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी हिस्ट्री नहीं, वो सेव नहीं करता। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप उस प्राइवेट मोड की हिस्ट्री देख सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि आप किसी वो प्राइवेट मोड को यूज करके कोई वेबसाइट खोलो। खुल गई, अब आप उसकी हिस्ट्री देखोगे, कंट्रोल एच दबाओगे तो आपको दिखेगा कि ये जो आपने वेबसाइट विजिट की है वो हिस्ट्री में नहीं है। ठीक है, अब इससे आगे हमें क्या करना है, अब से स्टार्ट होते हैं वो मेन स्टेप्स जिससे हमें पता चलेगा कि हिस्ट्री कैसे हम देख सकते हैं। तो ये आपको ऐसे करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। आपको पहले विंडोज आइकन पे क्लिक करना है या स्टार्ट बटन जो आपके बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में होता है, उस पे क्लिक करके कमांड प्रॉम्प्ट ढूंढना है। कमांड प्रॉम्प्ट लिख के या फिर अपना टाइम बचा के सिर्फ CMD लिख के भी आप उस कमांड प्रॉम्प्ट को ढूंढ सकते हो। उसके बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट को, आपके लिए ऑप्शन आएगा कि रन कमांड प्रॉम्प्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर, वो आपको उसी पे ही क्लिक करना है, ओपन पे नहीं क्लिक करना, क्योंकि कुछ अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग फंक्शंस होते हैं हर एक अलग ऑप्शन के। ठीक है, तो आपको रन दी कमांड प्रॉम्प्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है तो देखेगा कि एक काली सी विंडो खुलती है। ठीक है, मान लो आपको एक जो आपके रिजल्ट्स आएंगे, जो आपकी हिस्ट्री आएगी, वो आपको एक टेक्स्ट फाइल में सेव करना है जिसका नाम है nijeet123.txt इन डी ड्राइव। ठीक है, आपको इस नाम से सेव करना है। अगर आप .txt नहीं लगाते तो वो हिस्ट्री आपकी बिगड़ जाएगी, वो सही से आपको नहीं पता चलेगी, नहीं दिखेगी। ठीक है, तो .txt लगाना बहुत जरूरी है। आखिरी स्टेप है कि आप जो मेरी स्क्रीन पर ये देख पा रहे हैं, ये कोड, रुको मैं अभी आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, ये वाला जो आप कोड देख पा रहे हैं वो आपको करना है, लिखना है उस कमांड प्रॉम्प्ट में और उसके बाद एंटर की दबानी है कीबोर्ड में से। ठीक है, एंटर की दबा दी। हाँ भाई, दबा दी। ठीक है, अब दबा दी तो अब हम क्या करें उसको देखने के लिए, आपको उस लोकेशन में जाना है जहां आपने उसको सेव किया था। जैसे कि मैंने डी ड्राइव में सेव किया था उसको, तो वैसे ही आपको उस जगह में जाना है जो आपने पहले टाइप किया था और फिर आप उसको देख पाएंगे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये वर्क कैसे करता है। हमें तो ये सिखाया गया था कि कभी भी प्राइवेट मोड की हिस्ट्री सेव नहीं होती, लेकिन होती है। ये देखिए, ये ऐसे काम करता है कि एक जो डोमेन नेम सर्वर, सिस्टम सर्वर होता है, वो आईपी एड्रेस और होस्ट नेम्स को सेव करता है। अ डीएनएस सर्वर और डोमेन नेम सिस्टम सर्वर इज अ डिवाइस दैट रिकॉर्ड्स द आईपी एड्रेस एंड देयर होस्ट नेम्स। तो जब आप किसी वेबसाइट का नाम डालते हैं या कोई वेबसाइट खोलते हैं, वो ब्राउजर डीएनएस सर्वर को देखेगा और फिर आईपी एड्रेस ले लेगा उस साइट को ओपन करने के लिए। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस कम्युनिकेशन का ब्राउजर और डीएनएस के बीच रिकॉर्ड हो जाता है आपके डिवाइस पे, अगर आप इवन इफ यू हैव यूज्ड प्राइवेट ब्राउजिंग। Now, if you read the DNS results, it will show the browsing history of your computer, and it's pretty simple to see the DNS results. अब अगर अब आप
आप डीएनएस रिजल्ट्स देखोगे, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर के रिजल्ट्स देखोगे, तो आपको हिस्ट्री पता चल जाएगी। और ये बहुत ही आसान है डीएनएस रिजल्ट्स देखने के लिए, ठीक है? ओके, ठीक है। सो व्हेन यू एंटर द नेम ऑफ अ वेबसाइट इन द ब्राउजर विल चेक द डीएनएस सर्वर एंड गेट द आईपी एड्रेस ऑफ द साइट टू ओपन इट। दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्राउजर एंड द डीएनएस सर्वर गेट्स रिकॉर्डेड ऑन योर डिवाइस इवन इफ यू हैव यूज्ड प्राइवेट ब्राउजिंग। नाउ इफ यू रीड द डीएनएस रिजल्ट्स, इट विल शो द ब्राउजिंग हिस्ट्री ऑफ योर कंप्यूटर एंड इट्स प्रेटी सिंपल टू सी द डीएनएस रिजल्ट्स, ठीक है? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।